वेलकम टू सिने गुरु जी चैनल। आज मैं आप लोग के लिए प्रभुदेवा जी के डायरेक्शन में बनी सलमान खान, दिशा पाटनी और रणदीप हुड्डा स्टारर मूवी राधे का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। 90 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म के सारे राइट्स 190 करोड़ में जी स्टूडियोज को बेचे गए थे और इसे 13 मई 2021 को OTT प्लेटफॉर्म जीप्लेक्स पर रिलीज किया गया था, जहां इसे रेंट किया जा सकता था। इसने रिलीज वाले दिन ही 4.2 मिलियन व्यूज के साथ में रिकॉर्ड क्रिएट किया था। हालांकि इसकी IMDb रेटिंग मात्र 1.9 आउट ऑफ 10 है, जो कि बहुत ही कम है। फिल्म की शुरुआत में राणा अपने साथियों के साथ में मुंबई सिटी आकर के ड्रग्स का धंधा फैलाता है। तभी राधे को काफी सारे एनकाउंटर्स करते हुए फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहीं पर राधे का एक इंट्रोडक्टरी फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, जब राधे एक बिल्डर के घर में घुसकर उसे मारते हैं। इसके बाद में राधे ACP अभयंकर के सामने पहुंचकर क्राइम ब्रांच ज्वाइन करते हैं और रास्ते में इनकी कार खराब होने के बाद में इनकी मुलाकात दिया से होती है। जब राधे यानी कि सलमान खान मुंबई के एक पुराने गैंगस्टर दगड़ू दादा के पास में जाकर उसकी धुलाई करके ड्रग्स के बारे में पता करते हैं, तो यह उसी समय का शूटिंग सीक्वेंस है और इस सीन को शूट किया गया है मुंबई के फेमस धोबी घाट पर। वैसे इसी सीक्वेंस में सलमान खान को एक साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है, जिसमे की बीइंग ह्यूमन लिखा हुआ है और ये बीइंग ह्यूमन इन्हीं का एक चैरिटी फाउंडेशन है। खैर, यह BTS सीन उस समय का है जब राणा मंसूर के साथ में मिलकर उसके भाई दिलावर को मार देता है। इसके बाद में राधे दिया के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं, जहां पर इन्हें ACP अभयंकर भी मिलते हैं। वैसे इस फिल्म में ACP अविनाश अभयंकर का किरदार किया है जैकी श्रॉफ जी ने, और यहां पर आप देख सकते हैं कि उसी सीन को शूट किया जा रहा है जब दिया के साथ में डांस करते समय राधे को दिया में ही ACP अविनाश अभयंकर दिखने लगते हैं। इस बर्थडे सेलिब्रेशन वाले सीक्वेंस के बाद ही राधे यानी कि सलमान खान और दिशा पाटनी यानी कि दिया के बीच में जूम जूम नाम का एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है। शायद से मैं बताना भूल गया, इस फिल्म में दिशा पाटनी ने ही दिया अभयंकर यानी कि ACP अविनाश अभयंकर की सिस्टर का किरदार किया है। इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है सीजर सर ने और इसे म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद जी ने। वैसे तो इस फिल्म की 60-70% शूटिंग मुंबई में ही हुई है और इस वीडियो सॉन्ग में कुछ सीन्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको अम्बे वैली में शूट किया गया है, जहां पर वाइड एंगल लेंसेज का यूज किया गया है ताकि पहाड़ी के व्यूज अच्छे से दिखाए जा सके। हालांकि पहले तो इस सॉन्ग को फॉरेन कंट्रीज में शूट किए जाने का प्लान था, लेकिन इस सॉन्ग को कोविड पेंडेमिक के बाद में शूट किया गया है। इसी वजह से इस सॉन्ग को फॉरेन कंट्रीज में शूटिंग की परमिशन नहीं मिल पाई थी, तब इस सॉन्ग को मुंबई और उसके आसपास के एरियाज में शूट किया गया है। इस सॉन्ग के बाद में ही राणा अपने दोनों साथियों के साथ में एक पब कम होटल में जाता है, जहां पर पहले तो बदतमीजी करते हैं और उसके बाद में राणा दो लोगों का मर्डर कर देता है, तो यह उसी का BTS सीन है। खैर, बाद में जब राधे को पता चलता है कि राणा अपने दोनों साथियों के साथ में एक क्लब में आने वाला है, तब राधे भी वहां पहुंच जाता है। तब उस क्लब के वॉशरूम में राधे यानी कि सलमान खान और राणा यानी कि रणदीप हुड्डा का एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, तो यह उसी फाइटिंग सीक्वेंस के शूटिंग के समय की क्लिप्स हैं। वैसे यह कोई रियल वॉशरूम नहीं है, यह इसी फाइटिंग सीक्वेंस को शूट करने के लिए बनाया गया एक सेट है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल से इस पूरे ही फाइटिंग सीक्वेंस को शूट किया गया है। इसी सीक्वेंस में एक सीन देखने को मिलता है जहां पर राधे एक डंडे को अपने हाथ से तोड़ते हैं, तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। वैसे ये बस एक शूटिंग स्टफ है जो कि उतना मजबूत नहीं है जितना डंडे ज्यादातर मजबूत होते हैं। खैर, यहां पर राधे और राणा की फाइटिंग के बीच में ही राणा के दोनों साथी गिरगिट और लोटा भी आ जाते हैं। इस फिल्म में गिरगिट का किरदार किया है गौतम गुलाटी ने और लोटा का किरदार किया है संगय ने, जो कि एक भूटानी एक्टर और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रणदीप हुड्डा जी को बताया जा रहा है चाकू किस तरह से चलाना है। इसी तरह हर एक सीन को शूट होने से पहले ही सभी को बताया जाता था कि उनको किस तरह से परफॉर्म करना है। वैसे इस फिल्म में रणदीप हुड्डा की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त और काबिले तारीफ है। वैसे सीक्वेंस की लास्ट में इनको फाइट करते करते ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। वैसे इस फाइटिंग सीक्वेंस के पहले ही एक सॉन्ग देखने को मिलता है जब राणा और उसके साथी इस क्लब में आते हैं, और यह इसी दिल दे दिया नामक वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की क्लिप्स हैं। इस सॉन्ग में जैकलिन फर्नांडिस को एक क्लब डांसर के रूप में डांस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। वैसे इस सॉन्ग की शूटिंग के लिए एक स्पेशल सेट तैयार किया गया था, जहां पर इस सॉन्ग को शूट किया गया है। और जब इसे शूट किया जा रहा था उस समय जैकलिन के घुटनों में काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि उनको एक ऐसा डांसिंग स्टेप करना था जो कि घुटनों के बल पर ही था। वैसे इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, इसका म्यूजिक कंपोज किया है हेमेश रेशमिया ने और इसको गाया है कमाल खान एंड पायल देव ने। साथ ही इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है सबीना खान ने।
खैर जब अविनाश को राधे और दिया के बारे में सब पता चलता है तब अविनाश अपने घर पर दारू के नशे में राधे के गाल पर किस करते हैं तो यह उसी का बीटीएस सीन है। इसके बाद में दिया अविनाश को उसके रूम में छोड़कर आती हैं। इसके बाद में जब लोटा यानी कि सांगे सेल्ट्रिम तगड़ू को मारने के लिए उसके अड्डे पर आते हैं तब यहाँ पहले से इंतजार कर रहे राधे मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिल्म में दिखाया गया राधे और लोटा के बीच का फाइटिंग सीक्वेंस किस तरह से रिकॉर्ड हुआ है, वैसे ही सीक्वेंस को भी मुंबई के धोबी घाट पर ही शूट किया गया है। इसके बाद में राणा और गिरगिट मिल करके तगड़ू दादा के ऊपर हमला करते हैं और उसको मार देते हैं तो यह उसी फाइटिंग सीक्वेंस का बीटीएस सीन है। इस फाइटिंग सीक्वेंस के लिए काफी रिहर्सल किया गया था, इस वजह से इसका पहला ही टेक कुछ माइनर मिस्टेक्स के साथ में ओके हो गया था। खैर उन माइनर मिस्टेक्स को हटाने के लिए रीटेक पर रीटेक हुए और 18वें रीटेक में रणदीप जी का नीके बाहर की तरफ निकल आया, इस वजह से इनको काफी प्रॉब्लम हुई थी और बाद में इनका पहला ही टेक फाइनल कर दिया गया था। वैसे इस मूवी में सलमान खान और दिशा पाटनी के बीच में किसिंग सीन भी देखने को मिलता है जो कि दिशा के मुंह पर टेप लगने के बाद में शूट हुआ है। खैर इस किसिंग सीन के बाद ही सीटी मार नाम का एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है जो कि अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी डीजे के एक सॉन्ग सीटी मार का रीमेक वर्जन है। हालांकि इस सॉन्ग का म्यूजिक ओरिजिनल सीटी मार सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद जी ने ही कंपोज किया है। वैसे हिंदी में इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, साथ ही इसको गाया है कमाल खान और लूलिया बंतूर ने। और यह इसी सीटी मार नामक वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की क्लिप्स हैं। इस सॉन्ग को शूट करने के लिए एक स्पेशल सेट तैयार किया गया था जहां पर इसे शूट किया गया है। राधे मूवी के क्लाइमेक्स में एक जबरदस्त कार बाइक का चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां पर काफी सारे ड्रग पेडलर बाइक लेकर के भाग रहे होते हैं तभी पीछे से राधे यानी कि सलमान खान अपनी जीप रेंगलर लेकर के आते हैं और यहीं पर सामने से एक ट्रक आता है जो कि ड्रिफ्ट मारता है तो इसके लिए ट्रक के पहियों में स्लाइडिंग व्हील्स लगाए गए थे और फिर ट्रक को खींच कर कुछ इस तरह से ड्रिफ्ट वाले सीन शूट हुए हैं। इस तरह के सीन्स को बहुत ही सेफ्टी के साथ में शूट किया जाता है लेकिन फिल्म में सीजीआई एंड वीएफएक्स का यूज करने के बाद में इनको अलग ही लेवल का दिखाया जाता है। खैर लोटा का पीछा करते हुए राधे राणा तक पहुंचकर उसके चॉपर को क्रेश करवाते हैं तो इस सीन के लिए एक रेप्लिका चॉपर को एक क्रेन की मदद से नीचे गिराया गया था और बाकी का काम सीजीआई एंड वीएफएक्स ने किया है। वैसे इस फिल्म के क्लाइमेक्स का वीएफएक्स संभाला है एनवाई वीएफएक्स वाला ने। चॉपर क्रेश होने के बाद में राणा यानी कि रणदीप हुड्डा और एसीपी अविनाश यानी कि जैकी दादा के बीच में फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं तो इस फाइटिंग सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। और जैसे ही राणा एसीपी अविनाश को एक वाइपर से मारने वाला होता है राधे उसे रोक लेते हैं और यहाँ पर सलमान खान रणदीप हुड्डा को बता रहे हैं किस तरह से उन्हें वाइपर घुसाने की एक्टिंग करनी है और वह किस तरह से वाइपर घुसाने से रोकेंगे। वैसे इस मूवी के क्लाइमेक्स में जितना भी एक्शन देखने को मिलता है उसे कोरियोग्राफ किया है एक्शन कोरियोग्राफर अनबू एंड आर्यू ने। इस मूवी की लास्ट में इसका टाइटल ट्रैक राधे राधे देखने को मिलता है और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस टाइटल ट्रैक के लिरिक्स साजिद खान ने लिखे हैं, साथ ही इसका म्यूजिक साजिद वाजिद जी ने ही कंपोज किया है और इस सॉन्ग को गाया है साजिद खान जी ने ही। साथ ही इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी है मुदस्सर खान ने और रिपोर्ट्स की माने तो इसके टाइटल ट्रैक दिल दे दिया और सीटी मार सॉन्ग को एनडी स्टूडियो में स्पेशल सेट बना करके शूट किया गया है। साथ ही इसके क्लाइमेक्स सीक्वेंस को महबूब स्टूडियो में शूट किया गया है। आई होप राधे मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। हम मिलेंगे आपको किसी और बीटीएस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।